वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। देखिए आज हम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी से है, इन्वायरमेंटल इशू से चैप्टर से है, जिसमें कि पार्टिसिपेशंस इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में लोगों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया। देखिए सबसे पहले बताते हैं कि 1731 की जो घटना है, जो जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने एक बार अपने महल बनवाने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि आप लकड़ी लेकर आइए। तो ये इनके जो मंत्री लोग थे वो वहाँ से लकड़ी लेने गए जहाँ पे बिश्नोई समुदाय के लोग रहा करते थे। ठीक है, तो उन बिश्नोई समुदाय के लोगों ने में एक जो महिला थी जिनका नाम था अमृता देवी, जिन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया और उन्होंने बताया कि कहा कि आप वृक्षों को काटने से पहले मुझे काटने का साहस करो। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि वृक्षों की रक्षा से बढ़कर उनके जीवन कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जो मंत्री थे उन्होंने उनकी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पेड़ों के साथ साथ में उन्होंने अमृता देवी को भी काट दिया। तो इसके बाद उनकी तीन बेटियां और बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। तो इतिहास में कहीं भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता जो है कहीं और उदाहरण नहीं मिलता है, कहीं और एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा, जिन्होंने अपनी पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया हो। तो इसके बाद क्या है, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड यानी अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना शुरू किया है ऐसे लोगों को जो कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और समर्पण का परिचय देते हैं, अद्भुत साहस और समर्पण दिखाते हैं। तो आपने इसके बाद आप बात करते हैं कि चिपको मूवमेंट के बारे में, तो आपने चिपको मूवमेंट के बारे में तो सुनाई होगा जो कि हिमालय के जो गढ़वाल के क्षेत्र के में जो आंदोलन हुआ था। तो 1974 ईस्वी में जो ठेकेदार थे वो वृक्षों को काटने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे काटने के लिए आए थे। तो इन्होंने जो स्थानीय महिला थी वहाँ की, तो इन्होंने उन पेड़ों से चिपक करके, ठीक है, उन पेड़ों से चिपक करके अपनी बहादुरी का, इस तरीके से उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में लोगों ने इस चिपको आंदोलन की सराहना की। फिर इसके बाद क्या है, 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का यानी संयुक्त वन प्रबंधन का भारत सरकार ने, जो कि एक संयुक्त वन प्रबंधन एक्ट लागू किया भारत सरकार ने, तो जिससे कि वन समुदाय को अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है और अच्छे तरीके से उसकी हम देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ में जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका दिल से बहुत ही बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे द्वारा अपलोड वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।